हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत खास वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपना फेसियल घर पे कर सकते हैं। एंड मैं आज अपना मीन्स घर पे फेसियल करने वाली हूँ। मैं अपनी सिस का फेसियल करूंगी घर पर। एंड आप लोग देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपना फेसियल घर पर ही कर सकते हैं। एंड ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं ऑलमोस्ट हमेशा अपने सारे फेसियल घर पर ही करती हूँ। जब भी मैं फेसियल करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ एंड एट होम पर ही करती हूँ। एक फेसियल किट ले आती हूँ क्योंकि बाहर काफी महंगा पड़ता है ये फेसियल। सो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो घर पर ही फेसियल किट लाके कर सकते हैं। एंड जो फेसियल किट मैं यूज करूंगी, मैं आपको वो बताऊंगी कि कौन सा फेसियल किट मैं यूज करने वाली हूँ, कितने का है। एंड मैं अपनी सिस्टर के फेस पर फेसियल करूंगी। एंड फेसियल के बारे में आपको वॉइस बता दूं तो आप घर पे कर सकते हो, बट अच्छा होगा कि आप अपना फेसियल खुद न करके किसी और पर करवाएं। मीन्स घर पर ही जैसे आप किसी का फेसियल कर देते एंड आपका कोई और कर दे, उससे क्या होता है कि आपका जो फेस पे ग्लो है ना, वो एक अलग ही तरह का आता है। अगर आप खुद फेसियल, मैंने खुद नोटिस किया करने के बाद कि अगर मैं खुद के फेस पर खुद ही फेसियल करती हूँ, मसाज करती हूँ, तो मुझे उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितने अच्छे मिलने चाहिए, या फिर जितने अच्छा कोई दूसरा करता है तब मिलता है। इसलिए इसकी एडवाइस यही है कि आप किसी और पर करवा लें एंड आप किसी और का खुद कर दें, तो इस तरह से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एंड वैसे मैं अपना खुद ही करती हूँ ज्यादातर, एंड कोई और करता है तो उससे मैं अपना करवा लेती हूँ, मैं किसी और का कर देती हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो अच्छे रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि जब आप वो एक मसाज होती है तो उसमें आपका रिलैक्स होना काफी जरूरी होता है, माइंड रिलैक्स होता है। एंड आप थकते नहीं है जब आपका कोई और करता है, आप रिलैक्स होके वो करवाते हैं। एंड वो चीज बहुत जरूरी होती है आपके फेस पर ग्लो लाने के लिए। सो गाइज, आप अपना फेसियल इसी तरह से करवाएं। एंड आज का फेसियल हम स्टार्ट करते हैं। मैं जो फेसियल किट यूज करने वाली हूँ वो ये फेसियल किट है। ये नेचर प्लस का फेसियल किट है एंड डायमंड की किट है। एंड गाइज, ये मैंने ली थी समथिंग 300-350 की ली थी, थोड़ा टाइम हो गया तब मैंने फेसियल किट ली थी। ये बड़ा वाला फेसियल किट है, इसमें कम से कम 6 फेसियल है इस किट में। 6 टाइम आप यूज कर सकते हैं, इस पे लिखा है 6 टाइम है, लेकिन फिर भी ये 6-7-8 टाइम तक हो जाती है, ये फेसियल किट हो जाएगी। और वैसे छोटा वाला फेसियल किट मैंने VLCC का भी यूज कर चुका है, तो वो छोटा वाला लेते हैं 250 समथिंग का पड़ता है, 1 या 2 टाइम ही वो यूज हो पाता, उससे ज्यादा यूज नहीं हो पाता। उससे बेटर मुझे बड़ा वाला लगा कि 300-350 का ये मिल जाता है एंड 6-7-8 टाइम तक चल जाता है ये फेसियल, तो ये मुझे काफी बेटर लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड नेचर का है एंड इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे देखे हैं मैंने, कई बार यूज किया है तो। एंड आज आप भी देखोगे कि किस तरह का है ये एंड किस तरह से मैं फेसियल करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो इस फेसियल के साथ में। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं फेसियल। तो गाइज, इस फेसियल स्टार्ट करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से बांध लें, अच्छे से पीछे बांध लें जिस भी तरह से। एंड अगर कान में और गले में कुछ पहना हुआ है तो उसे हटा दें, जिससे फेसियल करते वक्त प्रॉब्लम ना हो एंड अच्छे से हो। और पूरे नेक में भी आपको करना है तो वहां से भी आप हटा दें अगर कुछ पहना हुआ है तो। एंड गाइस, हम फेसियल का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो ये है फेसियल का फर्स्ट स्टेप, क्लिंजर। तो ये मैंने क्लिंजर लिया हुआ है एंड इसकी मसाज करेंगे फेस पर। सो गाइज, जो क्लिंजर होता है ये आपके फेस को क्लीन करता है डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, पॉल्यूशन, जिससे आपकी स्किन, डेड स्किन जो होती है उसको रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड एक्सेसिव ऑयल, ये सारी चीज़ों को के लिए क्लिंजर किया जाता है। इन सब को क्लिंजर रिमूव करता है एंड आपकी स्किन को क्लीन करता है पॉल्यूशन की वजह से जो चीज़ें हो जाती हैं और स्किन जो डेड हो जाती है, सो उसी के लिए हम क्लिंजर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्लिंजर होता है। मैंने थोड़ा क्लिंजर लिया हुआ है एंड आप अकॉर्डिंग टू जितना यूज़ होता है उस तरह से ले लें एंड अच्छे से इसकी मसाज करें। जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको उसी तरह से सही डायरेक्शन में अच्छे से मसाज करनी है।
गाइस, फेशियल मसाज पर डिपेंड ज़्यादा करता है। फेशियल कौन सा ये डिपेंड होता है, बट वो मसाज पर डिपेंड ज़्यादा करता है कि आप कितने अच्छे से उसकी मसाज दे रहे हैं, एंड उसी पर डिपेंड करता है उसका ग्लो, कि कितना ग्लो आया है, ये आपकी मसाज पर डिपेंड करता है। तो आपको मसाज अच्छे से करनी है, तो जो क्लिंजर है इसकी मसाज आपको 1 to 3 मिनट तक आपको उसकी मसाज करनी है, एंड फिर आप इस तरह से इसे साफ़ कर लें, गीले कपड़े, सॉफ्ट हो कुछ भी, तो उससे आप फेस को क्लीन कर लें, धोना नहीं है आपको। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने लिया हुआ है, एंड गाइस, अब जो नेक्स्ट स्टेप हम मैंने अप्लाई किया हुआ है वो है स्क्रब। तो नेक्स्ट स्टेप आपको स्क्रब लेना है, जो 2 नंबर का स्टेप है, दूसरे नंबर पर स्क्रब लेना है। एंड जो स्क्रब होता है गाइस, ये आपके फेस को ये भी क्लीन करता है, एंड जैसे ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स होते हैं तो इनको रिमूव करता है। इनके लिए जो स्क्रब होता है वो अच्छा वर्क करता है। एंड गाइस, अगर आपके फेस पर मुहासे वगैरह हैं जो रेड कलर में होते हैं, मुहासे, कील वगैरह, जो मुहासे बड़े बड़े होते हैं, तो वो हों तो आप स्क्रब इस्तेमाल ना करें, आप स्क्रब को स्किप कर दें, क्योंकि उससे वो बेकार होंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड तो आप फिर इस्तेमाल ना करें। बट फेस पे ऐसा कुछ नहीं था, मुहासे वगैरह, तो मैंने स्क्रब इस्तेमाल किया है। सो आपको इस तरह से कम 5 मिनट तक आपको स्क्रब की मसाज देनी है, एंड हल्के हाथों से आपको अच्छी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आपको स्क्रब करना। एंड आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो साथ में थोड़ा, अगर वो ज़्यादा सूखा हो जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस्तेमाल कर सकते हो मसाज के साथ में। एंड आपको इसी तरह से आपको स्क्रब की मसाज देनी है। एंड गाइस, स्क्रब हो गया है, अब आप उसको इसी तरह से गीले कपड़े से आप स्क्रब को भी साफ़ कर लें जो आपने किया हुआ है। आपको ये गाइस 5 to 6 मिनट तक आपको स्क्रब को अच्छे से करना है इसकी मसाज। एंड मैंने इसे साफ़ कर लिया है, और ये गीले कपड़े से, आप सॉफ्ट सा हो कुछ भी, तो आप सॉफ्ट से कपड़ा हो कुछ भी हो उससे आप रिमूव कर सकते हैं, कोई हार्ड चीज़ ना हो जिससे वो प्रॉब्लम हो, तो ऐसा कुछ ना लें। दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 3 स्टेप पे जाते हैं कि हम अब 3 स्टेप में क्या करते हैं। एंड गाइज, वीडियो काफ़ी लेंदी, बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं आपको उतना टाइम टू टाइम का दिखाती, 5 मिनट ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड को तेज करके और हल्का सा बढ़ा करके मैंने आपको दिखाया हुआ है, जिससे आप जल्दी से देख पाएँ। एंड गाइज, ये है 3 स्टेप जेल। 3rd स्टेप जेल है गाइज, इसमें आप पूरा फेशियल किट लोगे तो उसमें सारे स्टेप आएंगे, एंड उस पर लिख के भी आता है कि कौन सा स्टेप है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये 3rd स्टेप है, और 3rd स्टेप पे हमने जेल लिया हुआ है, तो हम 2-3 मिनट हम जेल की मसाज करेंगे फेस पर। इसकी भी आपको अच्छे से मसाज करनी जेल से। इससे मैंने गाइस नोटिस किया कि जेल की मसाज करने से मुझे काफ़ी थोड़ा ग्लो आता है फेस पे, और बहुत अच्छा ग्लो सा देखने को मिलता है जेल की। और मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो पसंद आता है वो मुझे जेल है, जेल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे एलोवेरा जेल होती है ना, ये उसी तरह से दिखता है एंड उसी तरह से फील होता है इसको करने पर। एंड आप देख रहे होंगे कि ग्लो भी काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, एंड स्टेप बढ़ने के साथ साथ आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में जो फेस था एंड एंड में आप उसे कंपेयर कर सकते, कुछ तो अंतर होगा ही। एंड गाइस, हम लोग फेसियल वगैरह ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करते, बाहर तो कभी भी नहीं करवाते हैं, तो आप इसे फर्स्ट फेसियल समझ सकते हो। मैंने अपने फेस पर कई बार किया भी है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इनके फेस पर मैं फेसियल कर रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम फेसियल करवा रही हैं वो भी मुझसे। उतना मतलब हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए आपको, तो आप हर मंथ मंथ में एक बार आप फेसियल ज़रूर करवाएं, खुद करें जैसे भी है। सो गाइज, जेल की मसाज जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे उसी तरह से गीले कपड़े से, सॉफ्ट से, हम इसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। एंड अब गाइज, हम 4th स्टेप पे आए हैं, तो 4th स्टेप है हमारा क्रीम। सो गाइज, 4th स्टेप क्रीम है, एंड क्रीम की मसाज गाइज कुछ टाइम की होती है। इसको काजू क्रीम भी बोलते हैं, दूसरे फेसियल में आता है तो बोलते हैं काजू क्रीम, इसमें ऐसा कुछ नहीं था।
और आई थिंक वो काजू क्रीम इसको बोलते हैं लोग, और ये क्रीम होती है, फोर्थ स्टेप आता है इसका। और इसकी मसाज आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करनी है, कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा आपको 15 मिनट क्रीम की मसाज करनी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है मसाज करने का वो क्रीम का ही होता है, तो आपको क्रीम की ही मसाज करनी है। और आप थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हो उसके साथ में, काफ़ी थोड़ी थिक होती है वो, तो वो जैसे आप मसाज करते जाते हो तो वो सूखता चला जाता है, तो हल्का हल्का पानी ले सकते हो। तो ये था क्रीम फोर्थ स्टेप, एंड हम इस तरह से अच्छे से मसाज कर लेंगे क्रीम की, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अपनी नोज़ पर, आइज़ पर, चिक पर, एंड इसी तरह से आपको हाथ चलाते हुए धीरे धीरे अच्छे से मसाज करनी है। एंड मसाज आपको बहुत अच्छी से करनी है, टाइम टू जितना टाइम मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है, उसके बाद ही आपको थोड़ा ग्लो देखने को मिलेगा, जल्दबाजी ना करें। एंड गाइस, ये था फोर्थ स्टेप क्रीम का था। सो इस तरह से आपको मसाज करनी क्रीम की, जैसा मैं दिखाया जा रहा है। एंड गाइस, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये कौन सी फेशियल किट है, नेचर प्लस की फेशियल किट डायमंड की है। एंड गाइस, ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे पड़ गई थी। एंड आप अगर ये मैंने जो आपके उसका प्राइस बताया था, आप सोचें कि आपको शॉप पर इतने का मिल जाएगा, तो मुश्किल है कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना मैं सस्ता आपको नहीं मिलेगा। मैंने ये जो किट था ये दिल्ली सदर मार्केट से लिया था, सदर बाज़ार से लिया था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसे पार्लर वगैरह वाले होते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें लेके आते हैं तो वहाँ पर इतने में ही पड़ती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप शॉप यहाँ की मार्केट से लेते, लोकल मार्केट से, शॉप से, तो वो इतना का नहीं पड़ेगा। उस पर जो रियल प्राइस लिखा हुआ था वो 1000 से ऊपर प्राइस लिखा हुआ था, और वो पड़ा मुझे 350 में। तो गाइज़, ये आप ऐसे ही किसी मार्केट से लें जहाँ पर वैसी चीज़ें आती हैं ना, क्या कहते हैं, थोक वगैरह में ज़्यादा लेने पर। तो मैंने ये दिल्ली सदर बाज़ार से लिया था, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली सदर बाज़ार से ये फेसियल इस तरह से ले सकते हैं, एंड आपको इतने का पड़ जाएगा। एंड अगर शॉप से ले तो मैंने VLCC का फेसियल किट यूज़ कर चुका, उसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे थे, एंड इसके रिज़ल्ट भी मैंने देखे कि इसके रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड वो 250 समथिंग का था, सिर्फ 1 या 2 टाइम में यूज़ होता था, तो वो मार्केट से इतने का पड़ा था मुझे, बट वहाँ से लेने पर आपको ये कम का पड़ जाएगा, इतना बड़ा वाला। एंड गाइस, ये है फिफ्थ स्टेप, और ये है पैक, ये फेसियल पैक है, एंड इसको आपको ऐसे के ऐसे ही लगाना है। ये रखा रखा थोड़ा सूख गया था, सूख जाता है अगर तो आप उसमें गुलाब जल डाल लें, थोड़ा हल्का सा पानी डाल सकते हो, और उससे आप इसे पेस्ट की तरह गीला करके और इसे बना सकते हो। जो मैंने ये किट ली थी इसमें ये फेसियल सूख जाता था, फेस पैक, तो मैंने तो इसमें थोड़ा गुलाब जल डाल के रख दिया था, घुल गया था वो, और थोड़ा सा पानी डाल लिया था, तो उसको अच्छे से पेस्ट करके। एंड गाइस, ब्रश हो सके तो आप ब्रश से ही लगाएं, क्योंकि क्या होता है, जो हाथ से अपन यूज़ करते हैं फेस पैक, तो उससे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो सही से यूज़ नहीं हो पाता, कहीं ज़्यादा कहीं कमियाँ नहीं हो पाते। और ब्रश से आप यूज़ करोगे ना तो बिल्कुल एक जैसा पूरे फेस पे इस्तेमाल होता है। एंड तो मैंने फेस पैक भी लगा लिया है, और अब हम इसे सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तो हम उसी तरह से गीले पानी के कपड़े से इसे रिमूव कर देंगे। तो फेस पैक सूख चुका है, कम से कम 10 10 15 मिनट में फेस पैक सूख गया था। एंड जब ये सूख जाता है तो अपने आप झड़ने लगता है, तो आप इसे गीलेपन, आपको फेस वॉश नहीं करना है, धोना नहीं है, आप इसी तरह से गीला कपड़ा लेके और उसे अपने हाथों से इसी तरह से आपको पूरा साफ़ कर लेना, कि इस तरह से साफ़ कर लेना कि आपको उसे धोने की ज़रूरत ना पड़े। गाइस, आप फेसियल करने के तुरंत बाद फेस को ना धोएं, जैसे होता है ना कि ग्लो चला जाता है, उसको जो भी फेसियल किया हो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा आपकी स्किन के अंदर, तो आप थोड़ा टाइम लगा के करें। अब 2 4 घंटे बाद आप फेस चाहे तो धो सकते हैं, वैसे इतना साफ़ हो चुका है, कोई ज़रूरत नहीं। एंड आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा देखा। एक तो मेरे कैमरे की वजह से उतना चीज़ें साफ़ उसमें वैसे भी नहीं दिखती हैं। गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और ये स्टेप भी आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस, ये लास्ट स्टेप है सिक्स, ये सीरम है, ये ऑयल की तरह होता है, अपन बाद में मॉइस्चराइजर की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
जिससे इससे भी स्किन ग्लो ग्लो होती है। एंड लास्ट स्टेप है, आप इसे इस तरह से तेल की तरह अपने हाथों में लेके और लगा सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा कंप्लीट फेशियल। फेशियल कंप्लीट हो सकता है हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।